जब भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो दाल तड़का तो हम ऑर्डर करते ही हैं, लेकिन जब हम दाल तड़का को घर में बनाने की सोचते हैं तो वो स्वाद नहीं आ पाता। लेकिन आज के बाद आप ये बिल्कुल नहीं बोलने वाले, इस तरह से दाल बना के देखिए, आप खुद कहेंगे कि रेस्टोरेंट वाला स्वाद घर में भी आ सकता है। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। कमेंट करके बताना ना भूलें कैसी लगी वीडियो आपको, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। ये रेसिपी हम 4 लोगों के हिसाब से बना रहे हैं, तो यहाँ 1.5 कटोरी के करीब तुअर दाल ले रही हूँ मैं, जिसे हम अरहर की दाल भी कहते हैं। इस रेसिपी में आप तुअर दाल के साथ में थोड़ी मूंग की दाल भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ केवल मैं आपको तुअर की दाल से ये रेसिपी बता रही हूँ। इसे हमें 4-5 पानी से धो लेना है अच्छे से, और उबालने के लिए हम रख देंगे। तो यहाँ देखिए, धोने के बाद मैं उबालने के लिए रख रही हूँ, डबल पानी रखना है। अब हम दाल को उबालने के लिए रख देंगे और 2 सीटी आने तक वेट करेंगे, तब तक हम मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए ले रही हूँ मैं यहाँ पे कढ़ाई में 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल, और तेल गर्म होने के बाद 1 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून राई डालिए। थोड़ा सा हींग भी डालेंगे हम इसमें, साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता, अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता है तो आप वो डाल दीजिए। ये सब अच्छे से सिकने के बाद हम यहाँ डाल रहे हैं 5-6 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई। इसी के साथ यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 1 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई और 4-5 हरी मिर्ची। जब आप दाल बनाते हैं तो प्याज का अच्छा सिकना बहुत ज़रूरी होता है अच्छे टेस्ट के लिए, तो यहाँ हमें प्याज को ब्राउन करना है, तो हमें गैस का फ्लेम लो रख के इसे ब्राउन करें, नहीं तो ये जल्दी से जल भी जाती है। यहाँ पे देखिए, ये अच्छे से प्याज सिक चुकी है, तो अब मैं यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर काट कर डाल रही हूँ। इसके बाद हमें टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाना है। देखिए, टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, तो अब यहाँ पे डाल रही हूँ मैं मसाले। मसाले में 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर, इसके बाद 1 टीस्पून के करीब नमक। इसे हमें अच्छे से मिला देना है और गैस का फ्लेम लो रख कर इसे पकाना है। इसी के साथ में हमें यहाँ डालना है 5 टीस्पून के करीब टमाटर प्यूरी। इसे अच्छे से अब मिक्स कर देना है और तेल छोड़ने तक हमें इसे पकने देना है, जब तक हम कुकर देख लेते हैं। दाल अच्छे से उबल चुकी है और इसे मिक्स करने के लिए थोड़ा हमें चलाना पड़ेगा चम्मच से, ताकि अच्छे से घुल जाए और दाना दाना अलग ना लगे। ये देखिए, मसालों ने तेल छोड़ दिया, मसाले अच्छे से पक चुके हैं और अब हम यहाँ पे डाल देंगे दाल। अब हम यहाँ डाल रहे हैं कसूरी मेथी 1 टीस्पून के करीब। इसे हमें मिक्स कर देना है और अच्छे से उबलने देंगे। क्योंकि मैंने अभी तक इस दाल में कोई साबुत गरम मसाले यूज़ नहीं किए हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 टीस्पून के करीब गरम मसाला। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो दाल अच्छे से उबल चुकी है, हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम करेंगे तड़के की तैयारी। तो यहाँ मैंने एक तड़का पैन लिया है, उसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून के करीब घी, और घी गर्म होने के बाद हम उसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा सिकने के बाद अब हम डाल देंगे 5-6 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई। इसी के साथ में हम डाल रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा करी पत्ता और लाल मिर्च। 2 लाल मिर्च को यहाँ पे मैं 1/2 करके डाल रही हूँ, क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा था लाल मिर्च का। लहसुन का थोड़ा कच्चापन दूर हो जाए और हल्का कलर चेंज हो जाए, तब तक हमें इसे सेकना है। तो ये देखिए, सेक चुका है। अब यहाँ डाल रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। गैस का फ्लेम लो कर दें और इसे अच्छे से मिक्स करें, 1 या 2 सेकेंड के लिए इसे पका लें घी में। अब ये तड़का रेडी है दाल में मिक्स करने के लिए, तो यहाँ मैं डाल देती हूँ। इस तड़के में मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करी है, जो ज़्यादा तीखी नहीं होती है, आप कोई भी लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं। और मिर्च और नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालें, जैसा भी आप खाना पसंद करते हैं। अब हम इसे हरा धनिया डालकर सर्व कर देंगे। और देखा आपने कितना आसान था इस रेसिपी को बनाना, और बहुत टेस्टी लगती है दाल इस तरह से बना के। देखिए वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताना ना भूलें। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।